हेलो भाई, मैं हूं सोनू सैनी। तो यार आज हम बात करेंगे इस ऑल न्यू हुंडई वर्ना के बारे में, जो कि आप भाई देख सकते हैं, आप 2023 मॉडल बिल्कुल ही लेटेस्ट जो लॉन्च हुई है फिलहाल में वो है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की, तो की तो ऐसी कुछ की मिल जाती है जो एज इट इज पहले आती है, सेम वही है। लॉक अनलॉक होल्ड करके रखोगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, होल्ड करके रखोगे तो गाड़ी की आपकी बूट अनलॉक हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की, तो अभी हमारे पास इसका भाई 1.5 टर्बो डीसीटी वेरियंट है अभी हमारे पास इस गाड़ी का, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे बैजिंग भी दी गई है इस गाड़ी में 1.5 टर्बो डीसीटी की। तो भाई आई होप सो भाई आप सबको वीडियो और कार भी बहुत अच्छी लगी होगी भाई आप सबको, आई होप सो। तो अगर मैं इस गाड़ी की फ्रंट लुक की बात करूँ, तो ऐसी कुछ आपको इसको में फ्रंट लुक मिल जाती है, जिसमें आपको यहाँ पे सारे DRL मिल जाती है आपको इस तरफ तक, और यहाँ पे ऐसी कुछ मिल जाती है इसमें फ्रंट में आपको हेडलाइट जिसमें आपको फुली LED। इसके रियर टेल लाइट की बात करूँ, तो ऐसी कुछ ऑन होती है भाई, आई होप सो आपको थोड़ा सा विजिबल हो रहा होगा यहाँ से लेके वहाँ तक। इसकी ऐसे पार्किंग लाइट ऑन होती है देखने में। भाई अगर मैं इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात करूँ, ये SXO बिल्कुल टर्बो मॉडल है, बिल्कुल टॉप मॉडल है। इसमें अगर आप इसका 6-speed मैनुअल गेयरबॉक्स लेते हो ना टर्बो में, तो इसका एक्सशोरूम पड़ता है 15,98,900 का। और अगर जैसे अभी 7-speed DCT खड़ी है ऑटोमेटिक, तो इसका एक्सशोरूम पड़ता है 17,37,900 का। आपको इसका एक्सशोरूम पड़ता है मतलब अप्रोक्स आपको 17,37,000 का एक्सशोरूम पड़ रहा है, तो ऑन रोड आपको 18-19 lakh की पड़ेगी भाई ये गाड़ी। तो मैं अगर मैं इसकी इंजन ऑप्शन की बात करूँ, इसमें भाई 15cc का टर्बो पेट्रोल इंजन है, जिसमें आपको पावर मिलती है 160 BHP हॉर्स पावर मिल जाती है, और मिल जाता है आपको 253 Nm का टॉर्क मिल जाता है भाई इस गाड़ी में। तो मैं आपको एक बार इसका बोनट ओपन करके दिखा देता हूँ भाई, कैसा कुछ है इस गाड़ी का बोनट, मतलब क्या कुछ मिलता है उसमें भाई। बोनट इतना ज्यादा हैवी है ना इसका, क्या बताऊँ। और ऐसा कुछ मिल जाता है भाई, इसका टर्बो का इंजन देख सकते हैं आप, टर्बो यहाँ पे लिखा है टर्बो स्मार्ट स्ट्रीम जी, और ऐसा कुछ मिल जाता है वरना का टर्बो इंजन देखने में। तो भाई करते भाई प्रवेद बंद, और मैं आपको अभी इंटीरियर चेक करा देता हूँ इस गाड़ी का। तो ऐसा कुछ मिल जाता है सबसे पहले इसका भाई ड्राइवर साइड डोर, जो कि ऑल ब्लैक इंटीरियर रहेगा इस गाड़ी में। अगर आप नॉर्मल पे जाते हो 1.5 पेट्रोल पे नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है जो, उसमें आपको डोल टोन का ऑप्शन मिल जाता है, बट इसमें आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिल जाता है। और यहाँ पे इसमें एम्बियंट लाइट मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक ऑटो फोल्डिंग RBMs का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे बोस के साउंड स्पीकर मिल जाते हैं इसमें जो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। 2 bottle holders और इलेक्ट्रिकली आपकी सीट एडजस्टमेंट है यहाँ पे देख सकते हो, बट हाइट एडजस्टमेंट आप मैनुअली कर सकते हो, बट आगे पीछे और रिक्लाइनिंग का ऑप्शन आपको इलेक्ट्रिकली मिल जाता है इसमें। तो चलते हैं अंदरली साइड, देखते हैं क्या कुछ मिलता है इस गाड़ी में। तो ऐसा कुछ मिल जाता है भाई इस गाड़ी में आपको इंटीरियर इस कार का, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। आपको डोर बंद करके दिखा देता हूँ, और ऐसा कुछ मिल जाता है आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो वेन्यू में आता था सेम वही है, और इसमें एक चीज़ काफ़ी अच्छी एड ऑन कर दी गई है, जो कि इसमें एडास का फीचर मिल जाता है भाई। अब आपको यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है जो कि एडास का यूज़ होता है। IRVM ऐसा कुछ मिल जाता है, इस तरफ मिल जाते हैं आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स, इस तरफ एडास और MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और ऐसा कुछ मिल जाता है 2 spoke के साथ आपको स्टेयरिंग व्हील, और बाकी 10.25 inches की टच स्क्रीन मिल जाती है इसमें जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगी भाई मेरे को इसमें। अभी देखो आप AC के कंट्रोल्स हैं, अभी ये फैन स्पीड कम ज़्यादा हो रही है ना, और अभी ये बन गए भाई इसके म्यूजिक के कंट्रोल्स, जैसे आपका रेडियो मीडिया और सीक ट्रैक वगैरह ये चीज़ें सेट वगैरह करनी है, तो अभी ये चीज़ बन गई यहाँ से, अब AC का बन गया। और यहाँ पे ऑटो, और इसमें फ्रंट 2 आपको मिल जाती है भाई, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट का ऑप्शन मिल जाता है इसमें देख सकते हो, और 12 volt पावर सॉकेट का ऑप्शन मिल जाता है आपको, और वायरलेस चार्जर, और यहाँ पे 7-speed DCT गेयरबॉक्स का ऑप्शन मिल रहा है इसमें देख सकते हो, और यहाँ पे ड्राइव मोड्स, 3 drive modes मिल जाते हैं इसमें, स्पोर्ट्स इको और नॉर्मल, 3 mode मिल जाते हैं इसमें आपको। और एम्बियंट लाइट का भाई 64 colors आप इसमें वो कर सकते हो कस्टमाइज भाई इस गाड़ी में एम्बियंट लाइट के। तो ओवरऑल ऐसी है भाई गाड़ी देखने में, मतलब को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी पर्सनली देखने में। तो और यहाँ पे बात करूँ ऊपर, आपको यहाँ पे एडी मिरर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे ब्लू लिंक का ऑप्शन मिल जाता है IRVM ऑटो डिमिंग के साथ, और यहाँ पे वाइट LEDs के साथ मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है वैनिटी मिरर, और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ग्रैब हैंडल और ऊपर सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है आपको। मतलब काफ़ी अच्छी है गाड़ी ओवरऑल देखा जाए, यहाँ पे भी लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, और रियर में आर्मरेस्ट का, पीछे शेड्स का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे रियर में मिल जाता है आपको AC वेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है भाई, यहाँ पे ना अभी देखो ये नॉर्मल है, अभी ये प्रेस करूँगा ना मैं,
अब बन गया है ग्लास होल्डर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे मिल जाता है ऑटोमेटिक आपको पार्किंग हैंडब्रेक मिल जाती है, ऑटो होल्ड का फंक्शन मिल जाता है। ओवरऑल भाई गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस बना दी गई है और काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड बन गई है भाई, ये देख सकते हो आप। तो भाई मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाड़ी। परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं भाई, एक दो दिन में आपको इस गाड़ी का ड्राइवर भी मिल जाएगा मेरे चैनल पे देखने के लिए, तो उस टाइम भगा के देखेंगे इस गाड़ी को क्या कुछ पावर है भाई इस गाड़ी में। तो एक बार मैं आपको रियर की स्पेस चेक करवा देता हूँ भाई, इसमें कैसी कुछ है रियर की। और यहाँ पर ट्रैक्शन ऑन ऑफ का मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिल जाता है आपको, और ऑटो ऑफ का मिल जाता है भाई इसमें। तो चलते हैं भाई रियर की साइड, तो ऐसे कुछ मिल जाती है भाई ओवरऑल आपको ये गाड़ी। तो एक मिनट मैं साइड कर देता हूँ भाई इस गाड़ी को। भाई चलने में तो है ही जबरदस्ती ये कार भाई, 1.5 टर्बो। तो ठीक है भाई, आई होप आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर लाइक करना। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है।